माकोतो शिंकाई एक ऐसा इंसान, अगर तुमने एक बार इनका फिल्म देख लिए तो वो फिल्म तुम्हारे दिल में बैठ जाएगा इधर। तो गाइस इस वाले वीडियो में मैं बात करूंगा माकोतो शिंकाई की टॉप 8 अंडररेटेड एनिमे मूवीज के बारे में। हाँ, इधर तुम्हें योर नेम और ओयदारिंग हुई तो भी मिलेगा, बट उसके साथ कुछ अंडररेटेड मूवीज भी मिलेगा जो कि शायद तुमने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सब मूवीज के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। तो चलो शुरू करते हैं। तो टॉप 8 पे आता है द प्लेस प्रॉमिस्ड इन आवर याले डेज। तो अगर तुमने योर नेम एंड उसके साथ 5 cm/s ये दोनों मूवी को देखे हो तो तुमको ये मूवी जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस मूवी में तुम्हें योर नेम और 5 cm/s दोनों मूवी का मिक्सिंग कॉम्बिनेशन है। 5 cm/s जैसा आर्ट स्टाइल एंड उसके साथ योर नेम जैसा स्टोरी, एंड सबसे बड़ी बात इसमें तुम्हें पैरेलल यूनिवर्स देखने को मिलेगा। इधर तुम्हें रोमांस भी मिलेगा एंड उसके साथ साइंस फिक्शन भी मिलेगा। तो ये मूवी आया था 2004 में, एंड मूवी में स्टोरी कुछ ऐसा है कि इधर हमें जापान को देखने को मिलता है, कुछ जापान में वर्ल्ड वॉर चल रहा है एंड इधर जापान दोनों हिस्सों में डिवाइडेड है, एंड उधर ही एक बहुत ही बड़ा एक टावर है। हाँ गाइस, टावर जो कि लिटरली बहुत ही बड़ा है, एंड लिटरली गाइस पूरे मूवी के अंदर लास्ट में इस टावर का एज देखने को मिलता है, मतलब समझ ही सकते हो कितना बड़ा टावर है वो। इधर हमें तीन दोस्तों को देखने को मिलता है, जिसमें से दो था बॉय एंड एक था गर्ल। तो ये तीनों मिलके प्रॉमिस करता है कि उस टावर पे हम लोग जाएंगे, टावर के ऊपर जाएंगे एक एयरक्राफ्ट के मदद से। हाँ गाइस, एंड ये एयरक्राफ्ट ये तीनों मिलके बनाए थे। तो ये लोग उस टावर पे जा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर कैसे जाएंगे, एंड उस टावर का मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस फिल्म को देखना पड़ेगा। नंबर 7 पे आता है 5 cm/s, एंड इस मूवी को बहुत सारे लोगों ने देखा भी है तो इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एंड हाँ, इधर तुम्हें कोई भी फैंटासी जैसा चीज देखने को नहीं मिलेगा, ओनली प्योर लव स्टोरी जो कि रियल लाइफ के ऊपर टोटली बेस्ड है। इधर तुम्हें एक लड़का और एक लड़की देखने को मिलेगा जो कि बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन लोगों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, एंड इसमें तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा। एंड इसको अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, मुझे इसको 2 बार देखना पड़ा था। उसके बाद आता है नंबर 6 पर जो कि वॉयसेस ऑफ ए डिस्टेंट स्टार। यह मूवी लिटरली 25 मिनट्स का है, एंड ये 2002 में बनाया गया था, एंड लिटरली उस टाइम का मूवी, मतलब माकोतो शिंकाई मूवीज बनाना शुरू कर रहे थे उस टाइम का मूवीज है ये, एंड उस टाइम ये मूवी आके ब्लॉक बास्टर निकला था। एंड ये मूवी एक रोमांस जॉनरा पे आता है, मतलब इधर भी तुम्हें एक लड़का और एक लड़की देखने को मिलेगा, जो कि लड़का रहता है वो रहता है अर्थ पे, एंड जो लड़की रहता है उस स्पेस में एलियंस के साथ फाइट करने जाए मतलब गया है, एंड इसलिए इस मूवी का नाम है वॉइसेस ऑफ ए डिस्टेंट स्टार। एंड इस मूवी में जिस वर्ल्ड को दिखाया गया है वो बहुत ही हाईटेक है एंड बहुत ही आगे चल गए, मतलब तुम अगर जुपिटर में भी हो एंड उधर से भी तुम अर्थ में मैसेज कर सकते हो, बट वो मैसेज लिटरली बहुत दिन बाद आता है, बहुत दिन मतलब बहुत दिन, करीब 8 साल बाद आता है, समझ रहे हो। तो ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, बट इसका जो एंडिंग है वो एंडिंग देख के तुम रो दोगे यार, तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाएगा उसका एंडिंग देख के, इसलिए मैं इसको नंबर 6 पे रखा हूँ। एंड चलो फिर नेक्स्ट, एंड नंबर 5 पे आता है द गार्डन ऑफ वर्ड्स। अगर तुम माकोतो शिंकाई के मूवीज के अंदर ब्यूटी को ढूंढ रहे हो तो इस मूवी से बढ़िया मूवी नहीं हो सकता यार, तुम्हें लिटरली नेचर का ब्यूटी इतना एक्यूरेट एंड मतलब रियलिस्टिक अंदाज से दिखाया गया है, मतलब तुम्हारा दिमाग हिला देगा। तो इस मूवी के अंदर तुम्हें देखने को मिलता है एक लड़का, 16 साल का एक लड़का है, एंड उसको प्यार हो जाता है उसके टीचर के साथ, जिसका एज है 27 ईयर्स। मतलब सोच सकते हो, 16 साल का लड़का, 27 ईयर्स ओल्ड टीचर, लव। एंड इस मूवी को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये मूवी है 46 मिनट का। तो जो भी है, तो इस मूवी में एनिमेशन टॉप नॉच, साउंड टॉप नॉच, एंड लिटरली इसका जो लव स्टोरी दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, एंड इसको बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, एंड तुम भी जाके देख लो अगर नहीं देखे हो तो। एंड नंबर 4 पे आता है सुजुमे नो तोजीमारी।
वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ माकोतो शिंकाई। एंड इसके बारे में क्या ही कहना, सब लोग इसको देख के रखे। फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जापान में कुछ कुछ जगह पे मिस्टीरियस डोर ओपन होता है, जिस वजह से जापान में भूकंप आता है। एंड ये क्यों आता है, किस लिए आता है, तुमको एनिमे देख के पता लगाना पड़ेगा। तो वैसे इस एनिमे का एनिमेशन टॉप नॉच, म्यूजिक टॉप नॉच, एंड माकोतो शिंकाई के मूवीज में से इसका म्यूजिक, इस एनिमे का म्यूजिक मेरा सबसे फेवरेट म्यूजिक है। एंड देखते देखते हम आ चुके हैं टॉप थ्री के अंदर। तो नंबर थ्री पे आता है चिल्ड्रेन हु चेज लॉस्ट वॉइसेस। तो माकोतो शिंकाई की मुझे पहली ऐसी मूवी लगी जिधर तुम्हें एक्शन के साथ साथ रोमांस, एडवेंचर एंड थोड़ा सा खून खराबा भी देखने को मिलेगा। तो मूवी में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि क्लास में टॉप है, एंड एक दिन उसको एक अजीब साउंड सुनाई देता है, एंड वो साउंड सुनने में ना ही सैड है ना ही हैप्पी है। एंड उसके बाद वो लड़की एक लड़के से मिलता है, एंड उसके बाद क्या होगा तुम एनिमे देख के जाओगे, क्योंकि उसके बाद से उसकी एडवेंचर शुरू होती है। तो मैं अगर बोल दूंगा तो ये स्पॉइलर हो जाएगा। तो ये एक्शन, एडवेंचर और रोमांस जॉनरा पे आता है, एंड कुछ तो रीजन होगा कि मैं इसको सुजू में से भी ऊपर रखा हूँ। तो तुम एनिमे देख के जानो कि मैंने क्यों इसको सुजू में से भी ऊपर रखा हूँ। एंड हाँ, इसको अगर तुम देखोगे तो तुम भी बताओगे, बहुत ही बढ़िया एंड अंडररेटेड मूवी है ये। एंड नंबर टू पे आता है वेदरिंग विद यू। इसके बारे में क्या ही कहना, सभी लोग देख के रखे हैं इसको, एंड जिन्होंने नहीं देखा इसको वो लोगों को एनिमे के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है। फिर भी बता देता हूँ, इधर तुम्हें एक लड़की मिलेगा जिसके पास लिटरली सुपर पावर है वेदर को कंट्रोल करने का, एंड उधर एक लड़का रहता है जो कि उसके प्यार में पड़ जाता है, एंड बाकी सब कुछ टॉप नॉच है, एनिमेशन, स्टोरी, म्यूजिक एंड कुछ कुछ जगह पे तो तुम इमोशनल हो जाओगे। एंड नंबर वन जो कि ऑलरेडी सब लोग गेस कर चुके हैं, यस आई एम टॉकिंग अबाउट योर नेम, माकोतो शिंकाई का अभी तक का सबसे बेस्ट एनिमे मूवी एवर मेड। एंड यही एक लौता एनिमे मूवी है जिसको नॉन एनिमे फैन को दिखा दोगे तो एनिमे फैन बन जाएगा। 君の名前は?